आज हम जा रहे हैं लेक माउंटेन। तो ये हो रही है एंट्री हमारी लेक माउंटेन। ये देखो स्नो स्नो आ गया, स्नो राधा गिर गई, हो गया एक्सीडेंट। बस हम बस ये जल गई हमारी आग। मेरी श्रीमती जी मैगी का आनंद लेते हैं। 1980 में तब तक मेरे गांव में जो कश्मीर में है वहां पे बिजली नहीं थी, और यहां पे अप टू 55 मतलब अब आप समझ सकते हो कितने पहले तक यहां पे बिजली जनरेट होती थी। Lotus World Web Series Vlogging and Shorts। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं राकेश गंजू आपका होस्ट और दोस्त लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जा रहे हैं लेक माउंटेन अल्पाइन जो ये पर्वत श्रृंखला है उसमें आता है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है और पिछले एक हफ्ते से स्नो लगातार गिर रही है। एंजॉयमेंट चरम पे होने वाला है, और इस जर्नी में आज हमारे साथ हमारी मेहमान है मेरी कलीग विनीता, मेरा बेटा रिदान, मेरी बेटी काव्या और मेरी धर्मपत्नी कविता। हाय। तो 2 घंटे की जर्नी है, तो अब हम सीधे मिलेंगे जहाँ पे मुझे स्नो चेंज लेने हैं वहाँ पे मैं रुकूंगा, और आप जर्नी एंजॉय कीजिए। लेकिन इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। चलो गाइस, अब आपको छोड़ता हूँ मैं रास्ते के बेहतरीन दृश्यों के साथ, और हम मिलेंगे अभी सीधे ही लेक माउंटेन। सो गाइस, अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं इस एरिया का नाम है लिली डेल। अभी हमने लिली डेल मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया हुआ है, और अब हल्का सा घाट एरिया प्रारंभ हो चुका है। आपको रास्ते में अगर आप दूर देखोगे तो एक धुंध नजर आ रही होगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन द वे पूरा ही ऐसा ही नज़ारा हो, और होना होगा क्योंकि ठंडी बहुत है। पिछले एक हफ्ते से लगातार मेलबर्न में बारिश हो रही है, और पिछले एक हफ्ते से लगातार लेक माउंटेन में बर्फ गिरी है। आज बर्फ गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन आज बूंदाबांदी की संभावना ज़रूर है। हम आशा करते हैं कि बूंदाबांदी ना हो और हमें एंजॉयमेंट में कोई खलल ना पड़े। गाइस, अभी हम हिली एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फॉग प्रारंभ हो चुका है अभी, और रिस्क प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे गाड़ी चलाना है तो देख के चलानी है। रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो ये हो रही है एंट्री हमारी लेक माउंटेन।
Hey, I'm unable to download the booking, but I have the email. Yep, I'm just a last name on that booking. Ganju. On this booking, there's only one car. Yep. Rakesh Kumar Ganju. From Jayanthana? Yes. Yes. And how many people are in your car? 5-seater. I can't have order. Just kidding. So here are five guides for today. Thank you. ये देखो स्नो स्नो आ गया स्नो गाइस अब हम अगले 2 किलोमीटर के बाद लेक माउंटेन आ रहा है बर्फ ही बर्फ चारों ओर दिख रही है बहुत ही मजा आने वाला है जिस हिसाब से बर्फ गिरी है यहाँ पे आज मजा आने वाला है तो गाइस अब हम सीधे मिलेंगे लेक माउंटेन पार्किंग पर बने रहिएगा आप हमारे साथ सो गाइस जहाँ पे हमें जाना है वहाँ से आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है एक्चुअली ऊपर पार्किंग पूरी फुल है यहाँ से इन रिजॉर्ट वालों की फ्री बस सर्विस है आधा किलोमीटर तक हम बस में जाने वाले हैं सो गाइस उतना दूर नहीं था हम अभी पहुंच चुके हैं मैं आपको एक व्यू दे दूं जो ये आपको दिख रही बिल्डिंग ये एंट्रेंस की बिल्डिंग है जो स्नो पार्क है वो अंदर ही है बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी है और सबसे पहले रिसेप्शन में हम जाएंगे बर्फ की बर्फ सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं मैं आपको एक व्यू देता हूं यहां पे Oh. ये देखो इज़ान Are you ready? हाँ छोड़ो ये इज़ान गाइज अब मैं जा रहा हूँ देखते हैं Sorry. अभी कावी आ रही है रोड गिर गई हो गया एक्सीडेंट बस थम बस दादा नाटक रही है हटो भी So guys, मजा ही मजा आ रहा है ठंडी बहुत है क्या बताऊँ मैं मुझे एक्चुअली ठंडी नहीं लग रही है क्योंकि मैं पूरा पैक हूँ खाली हाथों में ठंडी लग रही है बीच में लग रही थी तो मैंने दस्ताने पहन लिए थे तो अभी इतनी ठंडी मुझे नहीं लग रही है क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो आपका जो शरीर है वो ऊर्जा पैदा करता है ऊर्जा उत्पादन करता है उस कारण आपको ठंडी कम लगती है लेकिन जो चिल कोल्ड विंड आ रही है वो बहुत ही क्लीन टाइप की है
देन पीछे हटो। ये जल गई हमारी आग। काबी बनाओ बनाओ काव्या स्नोमैन नोज लगाओ उसको। सो गाइज अभी यहाँ पे काव्या ने बनाया है स्नोमैन, मैं आपको दिखाता हूँ उसका एक लुक। ये देखिए काव्या का स्नोमैन, ये काव्या का स्नोमैन है। सो गाइज ये हमारा जो लेक माउंटेन का ट्रिप है यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ठंडी बहुत थी, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अभी हम बस में बैठे क्योंकि आधे किलोमीटर के बाद मेरी पार्किंग आ रही है, वहाँ पे मैं उतरूँगा और फिर वहाँ पे प्लान, अगर मुझे वहाँ मौका मिलता है चाय बनाने का, क्योंकि चाय पीएंगे तो थोड़ी गर्मी आएगी, देखते हैं क्या होगा। रेसिपी बाय विनीता, देखो मैं आपके साथ। ये देखो एक ग्लास दूध और एक ग्लास पानी। और आपका रेसिपी क्या है? मेरा और चाय की पत्ती हाफ एंड हाफ, बहुत ज़्यादा चाय हो गई इधर। हाँ मैं जो अदरक लाए हैं सारा फूट फूट के ने तुम्हारा। ओ चाय की पत्ती, ओ ये राखी जी ने ऐसे डाली है जैसे बटियारे डालते जैसे शादियों में बनती है। नेक्स्ट क्या है सर जी? ये आई शक्कर। वाह वाह वाह, रेसिपी में मजा आ रहा है। ओहो इलायची और क्या पड़ी। ओहो अदरक देखो, अदरक देखो घस के लाई है राखी जी ने, कमाल हो गया। देखो शेफ हमारी, शेफ नहीं था, खाना निकालती घर से बना के लाई है मैडम ने। देखो टमाटर की चटनी और क्या है ये मशरूम। विनीता ने सिर्फ गैस है ना दिखाने के लिए लाया है, रेसिपी तो बना के लाई है जो इनको खानी है। ये गार्डन इतना सुंदर है ना, देखो मैं आपको सीन बताती हूँ यहाँ का। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ इतना सुंदर झरना है ना, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है देख के, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो छोटी सी नदी जैसी। सो गाइस यहाँ पे एक ये मैरीज विली करके एक जगह है लेक माउंटेन से तकरीबन 12 किलोमीटर बाद, पहले ही मतलब जब हम मेलबोर्न से आएंगे तो मैरी विली पहले आएगा, उसके बाद 12 किलोमीटर आगे लेक माउंटेन है। वापसी में हम यहाँ पे रुके हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, हम यहाँ पे रुके हैं। ठंडी बहुत लगी थी, चाय हमने ऑलरेडी पी है, चाय बनाई हमने, मैगी बनाई है और मैगी भी खाई है। और ये देखिए मेरी श्रीमती जी मैगी का आनंद लेते हुए, ये देखिए चाय। ये है वाटर मिल, ये वाटर मिल है, बहुत पुरानी वाटर मिल हुआ करती होगी यहाँ पे, और उसको भी यहाँ पे बिठाया हुआ है। इसके ऊपर पानी गिरता है फिर ये घूमता है, बारिश होती है। हाँ जब पानी गिरता है तो ये घूमता है और फिर इससे बिजली जनरेट होती है। यहाँ आप आटे की चक्की जैसे चला सकते हो, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे शायद लिखा होगा। ये देखिए 1955 दिस वाटर मिल जनरेटेड पावर फॉर द बाटन एंड द क्रॉस वेज। इट वॉज रेस्टोर्ड बाई द लाइन्स मैरीविल मिली एंड डिस्ट्रिक्ट क्लब
in conjunction with the Marivali Tourist Association in 1973. In the early 1990s, the Alliance Club started stage 1 of the project to restore the old water wheel. 2014, this continues as an ongoing Alliance Club project. तो ये इससे बिजली जनरेट होती थी 1955 में, तो 1955 तक बिजली हो इससे जनरेट होती थी। तो मैं आपको जोक बता दूं, मेरे गांव में बिजली आई है आई थिंक 1980 में, तब तक मेरे गांव में जो कश्मीर में है वहां पे बिजली नहीं थी, और यहां पे अप टू 55 मतलब अब आप समझ सकते हो कितने पहले तक यहां पे बिजली जनरेट होती थी। आउटस्कर्ट लगता है लेकिन है नहीं, उस हिसाब से जिस हिसाब से एडवांस गांव में भी बिजली जनरेट होती थी उस हिसाब से तो मुझे ये एडवांस लग रहा। ठीक है गाइस, अब हमारा दिन की अब ये समाप्ति हो रही है, अंधेरा भी छा रहा है, अभी यहाँ पे फॉग वगैरह आएगा थोड़ा बहुत हिली एरिया है तो फिर प्रॉब्लम पड़ सकता है, इसीलिए हमको निकलना पड़ेगा। अब मैं वापस करूँगा कुछ मेलबर्न की ओर, उससे पहले मुझे रास्ते में व्हील चेन और जो गम बूट्स होते हैं स्नो बूट्स वो मुझे वापस रिटर्न करने हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर और जरूर सेलेक्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो आप शेयर करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं किसी नई व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। Jai Hind. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.